का ऊपर। हेलो गाइस, मैं हूं अमित भाई। मैं जो है बचपन से गांव में रहा हूं, हालांकि मैंने काफी टाइम सिटीज में भी बिताया, लेकिन गांव के अंदर जो लोग गांव में रहते हैं उनको पता होगा कि अक्सर हम लोगों को सांप दिखते रहते हैं। जो स्नेक्स होते हैं वो बहुत बार दिख जाते हैं। तो आज हम निकले हैं, जनरली हम कहीं जाते हैं और हमको सांप मिल जाते हैं, लेकिन आज हम निकले हैं सांप ढूंढने। दोस्तों आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि क्या हमको सांप मिल पाएंगे। हम काफ़ी जगह तलाश करेंगे जहां मिलने की सबसे ज़्यादा संभावना हो, आपको दिखाएंगे। और मुझे कुछ नहीं पता सांप मिलेगा या नहीं मिलेगा या जो भी होगा, लेकिन भैया आज जो है सांप ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। और पहले ही बता देता हूँ कि किसी भी सांप को किसी भी तरीके का कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, किसी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और आप लोग प्लीज़ ऐसा कुछ भी ट्राई मत करना। तो भैया देखते हैं कि क्या हमको कोई सांप मिल पाएगा। और अभी है दोपहर का टाइम, एकदम गर्मी हो रखी है, और गर्मी के टाइम में जो है सांप कभी भी बाहर भी निकल जाते हैं, तो उसी की भी बात करेंगे। तो फटाफट से शुरू करते हैं। आप लोग इस वीडियो के लिए जो लाइक का बटन है वो जरूर से दबा देना, और उम्मीद करते हैं कि हमको सांप देखने को मिले इस वीडियो में। और गाइज इस वीडियो का जो मोटिव है, ये वीडियो बनाने का जो टारगेट है वो है, एक तो आपको नई नई चीजें दिखाना गांव की कि भाई क्या चीजें मिल सकती हैं, जो सांप है वो कहां पर रह सकते हैं, कहां पर मिल सकते हैं, और अगर दिख गया तो बहुत अच्छी बात है। और भाई मेन मोटिव इस वीडियो का है कि जो सांप है ज्यादातर लोग उनको खतरनाक समझते हैं कि ये हमको मार देते हैं, लेकिन भाई बात समझो, जो सांप है वो हमको नुकसान करने के लिए नहीं होते। जो सांप है वो हमारे इस सिस्टम को बहुत अच्छे से बैलेंस रखते हैं, जो खेतों में फसल उगती है उसको बैलेंस रखते हैं। अब आप लोग सोचोगे कैसे, तो उन चीजों की बातें भी करेंगे, यानी कि एनवायरनमेंट के लिए जो स्नेक्स हैं वो बहुत जरूरी हैं। और इसलिए आपने सुना भी होगा शायद कि जो सांप है अगर आपको कहीं मिले तो उसको मत मारो, आप जो है जो स्नेक रेस्क्यू टीम वाले होते हैं उनको बुलाओ, या कैसे भी करके कोई भी ऐसा एक्सपर्ट हो जो कि उसको हैंडल कर सके, उसके थ्रू उसको एक सेफ जगह पर छुड़वाओ। तो हम भी आपसे यही कहना चाहते हैं कि भैया अगर आपको कोई सांप दिखे तो प्लीज उसको मत मारो, उससे बिल्कुल दूर रहो, उसके आसपास मत जाना, क्योंकि अगर आप उसकी लाइफ को खतरे में डालोगे तो वो आपकी लाइफ को भी खतरे में डाल सकता है। लेकिन इसमें उसकी गलती नहीं है, इसमें गलती हमारी भी है, तो इसी बात पर ध्यान देना। तो अब अपन चलते हैं जहां अपने को सांप मिलेगा। सब लोग बिल्कुल ध्यान से रहेंगे, अभी एक्चुअली में दोपहर का टाइम है, और दोपहर में ये जो जगह है पर्टिकुलर जहां से हमने स्टार्टिंग करी है, ये जो पूरी मिट्टी की जो मेड़ है एक तरीके से, इसके ऊपर देखो बहुत सारे बिल हैं। इधर आके दिखाओ, देखो यहां पर बहुत सारे छोटे बड़े बिल हैं, और इसके अंदर गाइज मैं बता रहा हूं कि मैंने खुद ने कई बार कई सारे सांप देखे हैं, मैंने इसके अंदर बहुत सांप देखे हैं, इसीलिए मैं आपको यहां लेकर के आया हूं। लेकिन यार देखो सांप जो होता है ना वो बहुत शर्मीला जानवर होता है, बहुत शाय होता है, तो बाई चांस ही वो दिखता है, कभी कभार ही दिखता है। तो इसलिए हम बहुत ज्यादा जगह सर्च करेंगे, और शाम के टाइम इनके निकलने की संभावना और भी ज्यादा होगी, क्योंकि तब जाकर के थोड़ा ठंडा माहौल हो जाएगा, सांप निकल पाएंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं एंड लेट्स सी। ये जो है सिर्फ मजे के लिए हमने बनाया है, लेकिन भैया सेव दी स्नेक्स इस वीडियो का मेन मोटिव है, और आप लोगों का भी लाइक करना इसके लिए बनता है, इस वीडियो को शेयर भी करना बनता है। इस साइड में आधा इधर जो है छाया है, सांप छाया में ही मिलेगा, उधर धूप में नहीं मिलेगा। धूप में तो ऐसे ही वो ठंडे खून का जानवर है, इसमें मर जाएगा वो, क्योंकि उसको जो टेम्परेचर होता है ना वो मेंटेन करता है अपने एनवायरनमेंट से। तो ज़्यादा धूप में रहेगा तो ज़्यादा बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ऑब्वियसली वो ज़्यादा गर्मा जाएगा, इसलिए वो छाया में मिल सकता है। कोई नहीं भाई, सांप ढूंढने के लिए निकले और सांप ढूंढ कर रहेंगे आज। हाँ ये यहाँ मिल सकता है, ये ठंडी जगह है, ये ठंडी जगह गाइज, यहाँ पर जो है सांप मिलने के चांसेस हाई हैं। लेकिन वही बात है कि वो जो सांप है कभी कभार ही जो है बाहर निकलते हैं। अरे ये जगह है, इस यहाँ पर मिल सकते हैं, ध्यान से देखना, पैरों की आवाज़ कम करना गाइज। देखो कैसा एकदम ऐसा इलाका है जहाँ पर एकदम मतलब अंदर कोई घुस नहीं सकता, कोई जानवर कोई गाय वाय नहीं जा सकती, तो ये जो जगह है यहाँ पर सांप बहुत रहते हैं, और आई एम श्योर कि इसके अंदर बहुत सारे सांप होंगे, बस वो बाहर नहीं निकल रहे हैं अभी। और गाइज आजकल ट्यूबवेल्स की वजह से जो ये जो कुएं हैं ना ये अब खाली पड़े हैं। ओए इधर आना भाई, भाई 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 जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। अरे यहाँ पे था पूंछ दिखी थी, हैं वो छोटा सा, वो इतनी बड़ी पूंछ दिखी थी, कहाँ पे है कहाँ पे है, दिख रही है किसी को? अरे यार गाइज यहाँ पर पूंछ दिखी थी इतनी बड़ी,
और जो कुछ एक छिपकली जैसी चीज होती है ना, वो इसके अंदर सांप की बांबी बोलते हैं या उसको क्या बोलते हैं, जो कुछ भी बोलते हैं, वैसा कुछ था। यहाँ पे कोई सांप नहीं मिलेगा, अब यहाँ पर भेड़ बकरियां आ गई हैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा। इसके अंदर मिल सकता है, ये जो है ना, ये इस टाइप के जो ये झाड़ियां हैं इनके अंदर सांप रहते हैं, लेकिन यार बस मिल नहीं रहा हमको, और इतना इजीली नहीं मिलता है यार सांप। जब वैसे कभी कभार दिख जाता है, लेकिन जब ढूंढने लगे हैं तो यार एक नहीं मिल रहा, एक सांप नहीं मिल रहा। धूप में जो है ढूंढे जा रहे हैं, लेकिन ओए ओए चुप रहो चुप रहो, इधर आओ, ध्यान से आवाज सुनना ध्यान से। ये वो रेटल स्नेक नहीं होता जो ऐसे ऐसे करता, उसकी आवाज है सर ऐसे करता है वो। एक बार मैं साउंड आपको प्ले करके सुना देता हूँ। कुछ इस तरीके का साउंड करता, तो वैसा कुछ साउंड आया है यहाँ पे। दोस्तों सांप ढूंढते ढूंढते अब जो है थोड़ी देर में शाम होने वाली है, और धूप भी अब जो है हल्की सी डाउन होने लगी है। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर गर्मी कम हो गई है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी 5-10% जो है राहत ज़रूर हमको मिली है, क्योंकि भाई सांप ढूंढना इतना आसान नहीं है यार, ये आज पता लग गया। वैसे ही जो दिख जाते हैं सो दिख जाते हैं, लेकिन ऐसे मिलते नहीं है। और गाइज एक बात मैंने आपको वीडियो के शुरू में कही थी कि जो सांप हैं आपको वो नहीं मारने चाहिए, क्योंकि जो सांप हैं वो बेनिफिशियल होते हैं, इन्वायरमेंट को फ़ायदा करते हैं। तो अब बात करते हैं कि आखिरकार वो क्यों, किस तरीके से जो है बेनिफिट पहुंचा सकते हैं हम लोगों को या सभी लोगों को या फिर पूरे पर्यावरण को। तो उसका रीज़न भाई ये होता है कि खेतों में या जंगल में बहुत सारे ऐसे जानवर होते हैं, जैसे कि चूहा होता है, चचुंदर होता है, ये सब जो है खेतों की फसल नष्ट करते हैं। और जब इनकी पॉपुलेशन ओवरग्रो हो जाती है, यानी कि बहुत ज़्यादा तादाद में ये हो जाते हैं, तो ये जंगल को बहुत जल्दी ख़त्म कर सकते हैं, ये फसलों को ख़राब कर सकते हैं। तो जो सांप है वो हमको इन सब चीज़ों से बचा सकते हैं। कैसे? जो सांप है वो खाता है चूहे, तो वो जो है उसकी पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखता है। इसीलिए जो सांप है वो जरूरी होता है इकोसिस्टम के लिए। आपको पता है इकोसिस्टम में, एनवायरनमेंट में अगर एक चीज का बैलेंस बिगड़ता है तो पूरा का पूरा जो है बैलेंस खराब हो जाता है, और इसीलिए सांपों को बचाना जरूरी भी है। और अगर आपको कोई सांप दिखे बिल्कुल उससे इतना दूर सेफ डिस्टेंस पे हो जाए कि वो आप पे वार ना कर सके, लेकिन कम से कम यार उसके ऊपर आप जो है लकड़ी वगैरह कुछ मार करके उसको जान से मत मारिए, जहाँ तक हो सके भाई। अगर खुद के ऊपर ही आ गई है, जब खुद की जान बचाने की बात आ गई है, तो एक बात अलग हो सकती है, लेकिन नॉर्मल परिस्थिति में आप जो है कोशिश कीजिए कि आप उसको बचा सके, उसको कोई ऐसी जगह छोड़ सके, उसका जो नेचुरल हैबिटेट है वहाँ पर छोड़ सके। मिला क्या कुछ दिखा? अरे मैं तो खुद वही पूछ रहा हूँ भाई, कुछ नहीं मिला। देखो यार देखो, काफी टाइम हो गया। क्या करें यार भाई, तुम लोगों को कुछ नहीं दिखा क्या उस साइड में? यहाँ पे तो कुछ नहीं है बिल्कुल। एक काम करते हैं, वो पानी वाली जगह के पास में चलते हैं, ठीक है? उस साइड में ज्यादा चांसेस होंगे शाम के टाइम में, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पर भी ज्यादा उम्मीद ज्यादा मुझे नहीं लग रही है। शाम पानी की तरफ चलते हैं, उम्मीदें कम हो रही है, क्या करें, लेकिन और ढूंढना पड़ेगा। शाम के टाइम में काफी हाई चांसेस होते हैं सांप मिलने के। गाइज आज हमारे जोहड़ में यहाँ पर नीलगाय आई हुई है बहुत सारी, जो नीलगाय जो जंगल में रहती हैं। अभी आपको दिखाते हैं एक बार गाड़ी से उतर करके दिखाओ, गाड़ी यहीं खड़ी कर रहे हैं हम लोग। दिखाओ इनके पास मत जाना, एक बार दिखा दो। ये जो है जंगली जानवर है, आप लोग देख सकते हो कितने सारे हैं यार क्वान्टिटी में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 इधर भी है, इस साइड में भी है, देखो ये इधर भी है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा संभावना है अब सांप मिलने, क्योंकि शाम का टाइम भी है, पानी भी है, तो सांप को पानी भी थोड़ा पसंद होता है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन यहाँ पर वो शायद वो कोबरा या किंग कोबरा या ऐसा सांप मिलने की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो कम है, और जो छोटे सांप होते हैं वो मिलने की पॉसिबिलिटीज़ थोड़ी मुझे ज़्यादा लग रही हैं इस एरिया में।
गाइज हम लोग आ गए हमारे जोहड़ में, और यहाँ पर जो है पानी है तो काफ़ी हाई चांसेस है यहाँ पर सांप मिलने के। और शाम का टाइम हो रखा है, एकदम परफेक्ट टाइम हो रखा है। और ये जो नीचे गड्ढे हैं ना, इनमें भी सांप बैठे हो सकते हैं। भाई सब लोग ध्यान से रहना, आप बिल्कुल ध्यान से। गाइस जो है दोपहर से शुरू किया था, शाम हो गई एकदम, आप सन को देख सकते हो उधर पे, बिल्कुल जो अब दिन छिपने वाला है। लेकिन भैया हमको जो है अब तक यहाँ पर सांप के दर्शन नहीं हुए हैं, लेकिन हम जो छोड़ने वाले लोग तो हैं नहीं। इतना देख रहे हैं इधर उधर यार, मतलब इतना देखने पर कभी जब दिखता है ना, इतना मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन आज जो है शाम हो गई बट अब तक सांप नहीं मिला, लेकिन यार हम कहीं जाने वाले हैं नहीं। मेंढक भी हैं बहुत सारे, ओए अबे यहाँ इतने सारे बिल हैं, ये बिल पक्का सांपों के हैं। भाई साहब इधर बिल दिखाओ एक बार, जूम आउट करके देखो, देखो यहाँ पर कितने कितने सारे बिल हैं यहाँ पे देखो। अबे यार बहुत ज्यादा अति वाले बिल हैं। लेकिन अभी हम ऊपर हैं तो इसमें से निकलने वाले हैं नहीं सांप, मुझे मालूम है। अरे यार गाइस गाइस अब नहीं मिल रहा तो पैर से परेशान हो गए, मस्ती कर रहे हैं। गाइस रात हो चुकी है लेकिन भैया सांप का नामो निशान नहीं मिला है। लेकिन यार हम लोग यहां से छोड़ करके जाने वाले नहीं हैं, हमारा जो सर्च ऑपरेशन है वो कंटिन्यू रहेगा। रात हो गई तो हो गई, लेकिन हम जो है सांप ढूंढेंगे अभी यहीं पर, देखते हैं क्या होता है। भैया आज जो है सांप को देखकर ही जाना है, बस इतनी इच्छा है। और अगर मिल गया तो यार मतलब आज का जो दिन है ना, वो अब जाकर के एक एडवेंचर की तरह हो गया, और एडवेंचर हुए जा रहा है। और इतना ज्यादा डाउट है कि पता नहीं क्या होगा, सांप दिखेगा कि नहीं दिखेगा। सब लोगों की हालत आप लोग देख सकते हो लेकिन ये कि खूब मजे भी अपन ने लिए, सब कुछ किया था बढ़िया से, ठीक है। तो चलो अब सांप ढूंढते हैं। कहां पे कहां पे? उतरी बग रहा है। उतरी गाइस सांप मिल चुका है। ओए बहुत फास्ट है, ध्यान से गाइस। यहाँ पर जो सांप है, ओए सब लोग दूर रहो। ओहो हो भाई सांप मिल गया मुझसे लगभग ये 6-7 फीट दूर है, और साइज में लगभग 1.5-2 फीट का है ये। और अब थोड़ा सा पास आके इसको दिखा सकते हो, फुल जूम पे दिखाओ जरा एक बार इसको। इसका मुंह इस तरफ है, इस तरफ कोई मत रहना क्योंकि भागेगा उधर जाएगा, और एकदम अटेंटिव रहना गाइस। हम इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन यार सुबह से ढूंढ रहे हैं तब जा करके हमको सांप मिला। ये भग रहा था लेकिन अब जाके स्टिल हो गया है, और भैया सुबह से सांप ढूंढ रहे हैं अब जाके मिला है। अरे यार पुंगी थोड़ी बजा ही लेता हूँ इसके आगे, डर लग रहा है पीछे हो जाओ गाइस। ये जो सांप होता है ना, देखो ये सब मजे की बात है, कर रहा पीछे है पीछे ठीक, ध्यान अटेंटिव रहो। मैं एक्सपर्ट बिल्कुल नहीं हूँ, और हमारी टीम में कोई भी कोई खास एक्सपर्ट नहीं है, इसीलिए हम इतना दूर हैं। और सांप का साइज भी आप लोग देख सकते हो, इतना ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, पर यार सुबह से ढूंढ रहे हैं, मिल तो गया। अब एक काम करते हैं, इसको जाने देते हैं, बस एक साइड हो जाते हैं, आगे से इसके सामने से हट जाओ, सामने से हट जाओ इसके, बस अब ये जो है चला जाएगा। हैं उत्तरियों में मेंढक का साइज देखो, वाओ भाई साहब इतना बड़ा मेंढक है, ये मेरा हाथ है। और इससे कंपेयर कर लो आप, ये जो है एक बार थोड़ा ऊपर करके दिखाइयो, हाँ इसका साइज इससे बढ़िया से दिखे, हाँ थोड़ा और इधर आके गाइस एक बार देखो, ये बीन है, देखो इसका साइज देखो एक बार, ये मेरा हाथ है देखो उत्तरी भाई साहब कम से कम 1-1.5 किलो वजन हो सकता है इसके अंदर। वाह यार
क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं, लेकिन भाई जो कुछ मिला है ना रात होने के बाद चीज़ें ज़्यादा मिली हैं यहाँ पर। और सांपों का ध्यान रखो भैया, चारों तरफ अब सांप हो सकते हैं, क्योंकि सांप जो है अपन ने पहले ही कहा था कि रात के टाइम अरे तेरे पैर पे चढ़ रही थी वो, पकड़ रही थी वो, अबे यार अबे इसको पकड़ रहा था गाइस, वो जो मेंढक था वो इसको अंकित को पकड़ा दे रहा ना है? सांप है? कहाँ 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 इधर से गया, अबे कितने सांप है यहाँ? अभी गया है इसमें बहुत स्पीड से, ये रहा एक देख, ये रहे हां वो जो है भाई है दिखा 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 क्या ओ वो जा रहा वो सामने आओ वहां ये चल रहा है, वो हो गया ओए बग रहा गाइस, दूसरा सांप, तीसरा, चौथा, पांचवा सांप मिल गया हमको, दो तीन तो इसमें ही हैं। ओए ओए वहां क्या है उधर भी देखियो, अब सांप ये रहा, हां है मैंने देखा, ये रहा फोकस कर ये रहा इसके ऊपर, ये रहा दिख गया। ओहो गाइस यहाँ पर यार कितने सांप हैं, देखो ये सांप पानी में यहाँ पर घुसा हुआ है और तीन चार सांप हमने वहां देखे हैं। हाँ ये हाँ हिल भी रहा है वो थोड़ा थोड़ा, और सारे एक साथ। ओ भाई अंधेरा होने से पहले तो कुछ नहीं था, अंधेरा होते ही यहाँ पर सांप ही सांप दिख रहे हैं कंटिन्यू। ये रहा ना, हाँ ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये छोटा है लेकिन साइज में, ये रहा एक सांप। ओ भाई वो कितना बड़ा वाला सांप, कहाँ पे है? हाँ तो वो तो वही है ना, नहीं अपनी तरफ आया है, गया नहीं है वो, पीछे जाओ, चलो 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 हटो हटो यहाँ से हटो दूसरी साइड में है, उधर चलते हैं और आगे चलते हैं, पानी में मत देखो आगे भी देखो हर जगह देखो भाई साहब। या तो सांप नहीं मिल रहे थे और मिले हैं तो इतने मिले हैं कि एक साथ ही एक ही जगह पे चार चार हैं। अरे इधर आ जाओ गाइज, मैं सोचा था बीन बजाने की, लेकिन चार पांच देख के बीन वीन सब सिट्टी पिट्टी हो गई। गाइज वी आर मूविंग वेरी स्लोली बिकॉज यहाँ पर जो है कहीं पर भी सांप हो सकते हैं। छह सांप हम लोगों को मिल चुके हैं। हाँ गया सांप था क्या, पक्का देखा है तुमने? अबे यार सांप ही सांप भैया, मिले ही जा रहे हैं सांप यार, हर जगह सांप। सांप है मरा हुआ, अरे जिंदा है वो, भाग गया। अबे यार वो तो दिखा वो कहाँ पे है, कहाँ पे अरे कहाँ पे गए, हर जगह सांप है, वहाँ भी था यहाँ भी है, अभी इधर वो भग गया, वो सांप कहाँ गया पता नहीं, कहाँ पे गया, कहाँ पे ले आया सब दूर मत जा, सांप ही है ये, मरा हुआ है शायद, मरा हुआ है दो तीन दिन का हो गया, अरे सूखा हुआ है गाइस, एक सांप यहाँ पे सूखा हुआ है, देखो ये जो है सूख चुका है, ये स्नेक मरा हुआ है और इसमें सूख चुका है अंदर जाके, और एक अभी इधर भागता हुआ गया है। हाँ आराम से पैर रखो, कहाँ पे है, घुस गया, ये रहा है दिख रहा है घुस गया, हाँ दिख रहा है इसका, ओ निकल गया। ओ भाई साहब ओए 8-10 सांप मिल चुके हैं भैया, अब तो गिनती नहीं हो रही है, और सुबह कुछ नहीं मिला था और अब सांप ही सांप है मुझे भी दिखा था, ये रहा वो रहा दिख गया ये जा, अरे जान दो, वो रहा एक आगे, ओए कौन एक आगे आगे, जस्ट इसके आगे, हां दिख रहा है ये गया ये जा रहा घुस गया दिख रहा है, अरे कोई नहीं जाने दो, ओ भाई सांपों का ढेर लगा है यहाँ पे, सांपों का, अरे जाने दे उसको, दो दिख गए उधर भी,
तुम्हारे पैरों में ना हो, बस ये देख लेना। ये बकरा है वो बहुत फास्ट, मोई थाटो वाटो पीछे हटो, फास्ट जा रहा है। उधर कहाँ पे अबे बीन बीन बजा लूं, कहाँ पे है, है कहाँ पे? जरा से दिखू ना, ये रहा। हाँ दिख रहा दिख रहा, हाँ घास में दिख पा रहा है, थोड़ा दिख रहा है ये। अरे यार इसका कलर बिल्कुल ऐसा ही। अरे मत 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 कर, मत कर, मत कर, मत कर, मत कर, किसी काम को टच नहीं करना। इसका कलर जो है ना वो ग्रास के जैसा है। छेड़ दूँगा बाला सन्ने। नहीं 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 छेड़ छेड़ वो जा रहा है। अरे बीन मत बजाओ, ओए ओए ओए, इस पे ये मत टच करो यार, पागल हो गया। हाँ छेड़ना नहीं है। वो गया किस में, घुस गया अंदर, गया बिल में, गया रहने दो, बिल में गया रहने दो, बिल में, ये खड्डे में, खड्डे में, खड्डे में गड्ढा है। इधर आके दिखाइयो, देखो ये रहा, छुप गया। चलो चलो यहाँ से, चलो चलो छोड़ो इसको, ये रहा इसका सांप है। ओ भाई साहब, गाइस ये देखो एक सांप ही हमें मिल चुका है। देखो यहाँ पे कितना बड़ा है, करता दिखाइयो। ओ भाई एक ही है यार, ये एक ही है, बहुत बहुत बड़ा है। आजा इधर आजा, चुपचाप आजा। ओ भाई साहब, और करता इतना बड़ा। इसकी हाइट क्या होगी? 8-9 फीट तो पता नहीं है, नहीं है नीचे। इसका मुंह देख, मुंह देख इसका कितना बड़ा है यार, ये येलो टाइप का कुछ पैटर्न देख इसका। भाई गॉड, अबे नीचे देख 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 देख, और तेरी इतना तो बाहर ही है ये। यहाँ से शुरू करो, कहाँ पे उठती, ओ बहुत बड़ा है यहाँ पे, जल्दी 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 जल्दी, बहुत और बहुत बड़ा। देख के यहाँ पे पानी है, देख के आना, एक रास्ते में मिल चुका है हमको ऑलरेडी, यहाँ मिला था यहाँ पे, देख के आना, बहुत बड़ा है यहाँ पे सांप। भाई साहब बहुत बड़ा है। हो हो, भाई साहब इसका तो साइज है कम से कम 6-7 फीट है, मरा हुआ है, जिंदा है भाई। अरे वो रुका हुआ है चकमा देने के लिए। हाँ देखो, मुंह देख इसका कितना बड़ा है, देख अभी तो बाहर आए नहीं पूरा, ये गिर निकाल रहा है, देख भाई साहब फोन उठा रखा ऊपर। भाई साहब अबे और वो बहुत बड़ा है, और ध्यान से रहना और आगे पीछे देख लो। ओ भाई और देख, माय गॉड कितना ऊपर है ये, चिल्लाओ मत, कैसे चल रहा है खड़ा होकर चल रहा है। अरे यार ओए ओए उधर मत जा, देख ले आगे पीछे देख लो, देख तेरी जीभ है, देख तेरी जीभ है। अबे यार इसने कितना ऊपर फन उठा चलता है ये सांप, यार ये तो कोबरा की तरह ऊपर उठ के चलता है हवा में देख के, और देखो जा रहा है आगे। ओए भाई दूर रहो सब लोग, तो कोई कुछ मत करना, बस जाने दो जैसे जा रहा है। देखो गाइस लगभग ये जो है 5-1 फीट लंबा होगा, होगा मुझे ज्यादा लग रहा है गाइस, हो सकता है, पता नहीं कैमरा में, पता नहीं कैमरा में आपको कैसा दिख रहा होगा, दिख रहा है अच्छा। हाँ लेकिन ये एक्चुअल में लगभग 5 फीट के आसपास है। ये जो घास दिख रही है ना आपको, इसका ये देखने में हो सकता है कैमरा में, लाइट डालो लाइट डालो लाइट, बहुत बड़ा है ये घास, बहुत बड़ी है, और सांप भी बहुत बड़ा है यहाँ पे पड़ा हुआ। जाने दो जाने दो जाने दो उसको, जाने दो। ओए ठीक है भाई, बैकअप बैकअप, चलो 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 वापस चलो, इधर ही चलो और देख के चलो, ये सांप दिख इधर रास्ते में एक मिला था हमको, देख के चलना। तो तुम इसके पीछे पीछे आए हो? हाँ करतार आजा भाई, अरे रहने दे यार वहाँ पे, चलते रहो कंटिन्यू, दोनों तीनों साइड देख के चलो, आगे पीछे, आगे पीछे दोनों साइड देख के चलो, चल मन चल, चलते रहो और जागते रहो। तो भाई साहब यार आज जो है मतलब कि ऐसी चीज हुई है यार, बिल्कुल नहीं सोचा था हमने, ये सोचा था कि शायद हो सकता है हमको अगर एक भी सांप मिल गया तो वो भी एक बड़ी बात होगी, लेकिन भाई साहब यहाँ पर इतने सांप मिल गए, इतने सांप मिल गए, इसको पकड़ो, इतने सांप मिल गए मतलब कोई गिनती नहीं है यार, 500 सांप, और हमको यहाँ पर 2-2.5 घंटे हो चुके हैं भैया, अब जो है लगने लगा है डर। इतना ध्यान रख रख के हमने इतने सारे सांप देखे हैं,
और आधे ही आपको दिखा पाया, आधे तो आपको दिखाने से पहले भग गए। तो भाई जो भी है आज का जो एडवेंचर है वो एकदम कामयाब रहा है, लेकिन आप लोग प्लीज ऐसा कुछ भी ट्राई मत करना, प्लीज मत करना। और भैया अगर सांप आपको कहीं देखे, या सॉरी अगर आप दिमाग खराब हो गया यार, अगर आप कहीं सांप को देखो, आपको सांप दिख जाए जहां पर आपको कोई दिक्कत ना हो उससे, तो उसको छोड़ दो, उसको जाने दो, उसको बिल्कुल परेशान मत करो। और अगर सांप आपकी प्रॉपर्टी में घुस जाए तो भैया थोड़ा सा पेशेंस रखो, सांप से बिल्कुल दूर रहो। और जो बंदा उसको प्रॉपरली हैंडल कर सकता है, कोई सांप पकड़ने वाला, स्नेक रेस्क्यू टीम जो भी है, तो उनको बताओ, वो उसको बाहर निकालें, खुद हैंडल मत करो। अब लोग क्या करते हैं, उनको हैंडल करना तो आता नहीं है, वो एक लठ लेके उसको मार देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है यार, वो तो नहीं करना चाहिए। ये चीज़ एक्सट्रीम केस जब खुद की जान पर बनाए तब करने जो है फिर भी एक मानी जा सकती है, लेकिन भाई आपको डर लग रहा है आपने मार दिया, ये गलत बात होती है, ठीक है। तो प्लीज़ आप जो है स्नेक्स को सेव करने में जो है हेल्प कीजिए सभी लोग, और स्नेक को ही नहीं यार, जो पूरा एनवायरनमेंट है जिसमें कि और भी जानवर आते हैं, जिसमें हमारे पेड़ पौधे आते हैं, जिसमें बाकी चीज़ें आती हैं, जहाँ पर ज़रूरत नहीं है वहाँ पर उनको रहने दीजिए, वैसे ही उनको ख़राब मत कीजिए, उनको सेफ़ रखने में मदद कीजिए। आप जो कचरा फेंक रहे हैं उसको ऐसी जगह मत फेंको जहाँ पर वो नेचुरल इकोसिस्टम को ख़राब करे, क्योंकि भाई ऑलरेडी जो इकोसिस्टम है उसकी बैंड बजी पड़ी है, सारी जो चीज़ें हैं वो आदमी ने कर दी हैं ख़राब ऑलरेडी। तो हमारा ये वीडियो बनाने का यही मोटिव था, स्नेक जो सांप है वो तो सिर्फ एक पॉइंट, एक टॉपिक था कि आपको थोड़ा सा वाइल्ड लाइफ यहाँ पर जो भी लोकल हमारे यहाँ गाँव में वो दिखाई जाए, साथ में थोड़ा अवेयरनेस भी हो कि सांपों को इस तरीके से आपको नहीं मारना चाहिए, और बाकी जो जानवर हैं उनको भी आपको नहीं मारना चाहिए। हाँ, उनसे बचकर ज़रूर रहना चाहिए, क्योंकि यार अगर जहरीला सांप किसी को काट लेता है और उसको एंटीवेनम नहीं मिलता है एक टाइम के अंदर, तो भाई बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है, इसलिए बच के तो रहना पड़ेगा, लेकिन उनको मारना इसका सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको इस वीडियो में मज़ा आया तो लाइक ज़रूर से कर देना, और इस वीडियो को क्या कर रहे हो इस वीडियो को शेयर करना बड़ा ही ज़रूरी है। तो जिसको जानते हो अपने सभी दोस्तों के साथ में, सभी फैमिली मेम्बर्स के साथ में, जिसके भी पास में आप भेज सकते हो, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक तो कर ही दो भाई, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना आपकी मर्ज़ी है। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, थैंक यू सो मच। और अब जो है हम लोग चलते हैं आराम से, एकदम बीन वीन बजाने की तो अब हिम्मत ही नहीं है यार, और ये बजती भी नहीं है ये जो बीन है ना, ये देखो ये मजे ले रही है, क्योंकि ना तो ये बजती है ना हमें बजानी आती है। चलो भैया देखते चलना अभी भी